हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेश नारियल का हलवा। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश नारियल, इसको मैंने निकाल कर धुल के रख लिया है, 2 चम्मच चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश मलाई, दूध और 2 इलायची। सबसे पहले नारियल के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिया। अब इसे मिक्सी जार में डाल करके अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक। नारियल को मैंने बारीक पीस लिया है। अब गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल। इसी के साथ इसमें डालेंगे मलाई। अब इन दोनों को मिला करके 2-3 मिनट तक भून लेना है। इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाता है। इसको मैंने 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालूंगी दूध। दूध को इसमें अच्छे से मिला लेना है और ढक करके लगभग 5 मिनट तक कुक करना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। इसको लगभग मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को भी इसमें अच्छे से मिला देना है। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची। अगर आप केसर खाना पसंद करते हो तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब इसको भी इसमें अच्छे से मिला लीजिए। ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, इसको मैंने कट कर लिया है। इसको इसमें अच्छे से मिला देना है और इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। देखिए, यह बर्तन को छोड़ता जा रहा है, मतलब हमारा हलवा तैयार होने वाला है। देखिए फ्रेंड, मेरा हलवा बनके हो गया तैयार। ये बर्तन को बिल्कुल छोड़ चुका है और बहुत अच्छी सी सुगंध भी आ रही है। अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। अब इसे एक प्लेट में मैं कर लूँगी सर्व। देखिए फ्रेंड, मेरा फ्रेश नारियल का हलवा बनके है तैयार खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है, आप भी इसे ट्राई करें। मैंने ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग की है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।